नलवाय नर्मदा नदी में अज्ञात व्यक्ति की मिली लाश पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने रखवाया। अंजड़ थाना क्षेत्र नलवाय के भिलट मंदिर मसानिया बाबा के आश्रम में आज शनिवार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था, तभी कुछ लोग नर्मदा तट किनारे पहुंचे और उन्होंने लगभग 50 वर्षीय पुरुष की लाश देखी। वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आश्रम व गांव में मौजूद लोगों में अज्ञात व्यक्ति की लाश नदी में मिलने की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लाश को देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये लगभग 2 से 3 दिन पुरानी है। प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मौत हुई है। वहीं पुलिस द्वारा नपा कर्मचारियों की मदद से शव को निकलवाकर अंजड़ पोस्टमार्टम करवाने के लिए भिजवाया गया है और परिजनों की तफ्तीश में जुट गई है पुलिस। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही व्यक्ति की मौत का कारण का खुलासा हो पाएगा। मृतक के पास से कोई पहचान पत्र वगैरह नहीं मिला है। वहीं मृतक ने सफेद रंग का शर्ट व हल्के भूरे रंग की पैंट पहन रखी है। वहीं उसकी उम्र लगभग 50 साल के लगभग बताई जा रही है। पुलिस मामले में जुटी हुई है। लिम्बई में जमीन को लेकर हुए विवाद में 5 लोग घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ किया मामला दर्ज। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लिम्बई में जमीन खेड़ने को लेकर हुए विवाद में लठ व पत्थर चले, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए हैं। रामदास ने बताया कि उनके खेत से लगी जमीन पर केसिया के परिजन पत्थर डाल रहे थे, जिसको लेकर उसके पिता रजान को समझाइश दी गई, लेकिन इतने में उसका पुत्र केशिया आया और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं केशिया की माने तो ये लोग खेत में रोपा करने गए थे, जिसकी सूचना मिलते ही रामदास ने आकर मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पत्थर मारे, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए भेजा है। उपचार के बाद मामले में अनुसंधान की बात कही गई है। क्या नाम है भैया? रामदास। क्या हुआ भैया? लड़ाई झगड़ा हो। कैसे हो गया? वो कई मेड़ के बारे में रजन पिता को बोला था, ये आगे पत्थर नाख रहा था। हमने नहीं बोला था यार, जहाँ मेड़ है वहाँ पर तुम पत्थर रखो। वो जबरान से पत्थर आगे नाखा और सवेरे हमको कहे यार हम कहीं लड़ाई झगड़े नहीं करते, खेत में जाके बता दे। हम तो मन गए पुरानी मेड़े है इसमें, हमें क्या बतावे तुमको, आगे मत डालो। तो उसी में उसका पूरा केशव ने मारना चालू कर दिया। वो भी न रजन भी न उसकी औरत बिली सभी मारना चालू कर दिए। लच्छा कब हुआ था विवाद? ये सवेरे से। कहाँ पर हुआ था? ये हमारे खेत पर मेड़े का है। फिर क्या हुआ उसकी? मारा पिट्टी चालू कर दी उन्होंने, तो फिर वहाँ से अब मैं भग के आया थाना पर। एक कोरिया वहाँ था, हाथ पड़ेला था खेत में, उसको गाड़ी लेके लीन आ रहा था, उसको भी गाड़ी लाने दे। दूसरा कोरिया के भेजा ना आदमी को, भेजा गाड़ी लेके आई उसको थाना के ऊपर। पुराना भी कई विवाद? पुराना भी कई विवाद? पुराना भी विवाद है 4-5 साल का। वो मेरे को परेशान कर रहे, मारूंगा मेरे को कई बार धमकी दी चुका है। क्यों ऐसा क्यों करता है? ये दारू पी के हमारे साथ में हमेशा झगड़ा करते हैं साथ। तेरे को जान से मारूंगा, ऐसा कर दूंगा, इसके परिवार के लोग। रिपोर्ट दर्ज करवा दी? रिपोर्ट भी इसके नाम से पहले भी की, रिपोर्ट भी हम डाली। अभी भी करवाई कि नहीं? अभी करवाई दी। क्या नाम है आपका? केशिया। क्या हुआ अभी? है खेत में गए थे, रोपा डाला हुआ एक पानी उबालने के लिए गए थे, वो आकर हमको मारने लगे। कौन मारने लग गए? रामदास। फिर क्या हुआ? पत्थर ही। रिपोर्ट दर्ज करवाई? रिपोर्ट दर्ज करवाई? रिपोर्ट सर आज एक लड़ाई का मामला आया। क्या मामला है? ये ऊंचाई के पास में फालिया है, वहाँ पे इनकी मेड़ की बात पर से दोनों बच्चों में के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों बच्चों की तरफ से हमने कायमी कर दी है और उसमें कई लोग घायल हैं, उनका उपचार कराया है। सर कितने लोगों पर कार्रवाई की है? इसमें एक पक्ष की तरफ से 9 लोगों के खिलाफ है और दूसरे पक्ष की तरफ 4 लोग के खिलाफ। कुछ घायल थे सर? घायल उसमें जो 5-6 लोग हैं, तो उनको सभी को इलाज कराया।